नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कुनबी पाटिल समाज का स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष सम्मिलित हुए। इस अवसर पर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। नमस्कार, मैं अध्यक्ष प्रकाश आधार पाटिल महाराष्ट्र कुनबी पाटिल समाज सेवा समिति से हूं और आज कुनबी पाटिल समाज का यहां धनवंतरी पार्क में हल्दी कुमकुम समारोह और परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। करीबन 600 से 700 लोग हमारे समाज के यहां आज उपस्थित होंगे और ये बड़ा प्रोग्राम हमारे समाज का होता है और इसमें सभी लोग मिलजुल कर साथ में आते हैं। साथ में वर वधु विवाह के लिए भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। सभी समाजवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और सबके लिए ये वर्ष मंगल में हो यही कामना करता हूँ। जी बिल्कुल, हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखते हैं और साथ में भारतीय परंपरा भी है, तो ये हमारी जो सफेद टोपी है ये कहीं ना कहीं हमारी विश्वसनीयता और ईमानदारी का प्रतीक भी है। नमस्कार, मैं प्रकाश सुरेश पाटिल, प्रवक्ता महाराष्ट्र कुनबी पाटिल समाज सेवा समिति से, और आज ये कार्यक्रम आप यहाँ देख रहे हैं, ये भव्य कार्यक्रम महाराष्ट्र कुनबी पाटिल समाज की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इस वर्ष जो आयोजित कार्यक्रम है इसकी थीम है हल्दी कुमकुम कार्यक्रम, जो हमेशा ही रहती है, मगर इसमें हम लोगों ने बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष प्रकार के गेम्स रखे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हैं जिससे समाज की ओर महिलाएं और बच्चों का आकर्षण बढ़े। आज के जमाने में आप देख रहे हैं कि समाज से कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा दूर हो जाता है। कारण होता है कि फैमिली बड़ी हो गई है, टाइम नहीं है, बच्चों की पढ़ाई है, मगर फिर भी आज हमारा समाज काफी और समाजों के मुकाबले अच्छा रन कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री प्रकाश आधार पाटिल जी, एक एक घर में उनका कंट्रोल है, एक एक घर में आना जाना है, तो आज हमारे साथ लगभग 5000 परिवार मध्य प्रदेश में जुड़े हुए हैं और भोपाल के लगभग 7500 फैमिलीज हमारे साथ है और 750 फैमिलीज हमारे साथ है। इन 750 फैमिलीज के जो मेंबर्स है, एक घर में 5 से 7 मेंबर होते हैं और आज सभी लोग यहाँ पर एकत्र थे। इस मैदान में आप देख रहे हैं ये भारी भीड़ जो जुटी हुई है। एक समाज के लिए एक कॉल करते हैं हम लोग तो सब लोग आ जाते हैं और सामाजिक कार्य से जुड़ने का मजा लेते हैं। और एक आज छुट्टी का दिन है, माहौल है, और हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमें यही सिखाया था, यही आज्ञा दी थी कि एक रहोगे सुरक्षित रहोगे, देश भी आपका सुरक्षित रहेगा। तो एकता में ही हमारी शक्ति है और इस एकता को आगे बढ़ाने के लिए हमारा समाज, हमारे कार्यकर्ता और हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे सचिव महोदय जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के लिए मैं उनका साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।